बच्चों नमस्कार। आज की कक्षा में मैं आपको बताऊंगा कि भजन के स्थाई को ताल में किस तरीके से गा सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस भजन में भजने ताल का ही उपयोग किया जाएगा, जो कि आठ मात्रा की ताल है और वह गायन के समय में इस तरीके से उपयोग में लाई जाएगी। धिन 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 तिक्तता धिन 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 तिक्तता धिन धिन, इस तरीके से यह ताल चलेगी। तो आइए देखते हैं कि गायन में इसको किस तरीके से लाया जाए। की तक दिन हरि सुमिरन बिन कोई, की तक दिन हरि सुमिरन बिन धिन 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 तक धिन धिन, बिन इस शब्द के बाद ताल प्रारंभ हो जाएगी। की तक दिन हरि सुमिरन बिन धिन 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 तिकता धिन 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 धिन, की तक दिन हरि सुमिरन बिन कोई, परनिंदा रस में रस ना के, परनिंदा रस में रस ना के, जपने परत दबोए, की तक दिन हरि सुमिरन बिन कोई, की तक दिन हरि सुमिरन बिन कोई। तो बच्चों इस तरीके से हम भजन के स्थाई को ताल में गा सकते हैं।